और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चार दिन में दूसरी बार जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अफगानिस्तान को लेकर जो बाइडेन का बड़ा बयान है, दुनिया के सामने इस वक्त बड़ा संकट खड़ा है। ये जो बाइडेन ने कहा है G7 की बैठक में अफगानिस्तान पर बड़ा फैसला लेंगे। अगले हफ्ते होनी है G7 देशों की बैठक। सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं ISIS के आतंकी। ये जो बाइडेन ने अपने बयान में कहा है, जैश से भगाए गए आतंकी कर सकते हैं हमला और अमेरिकी सेना पर हमला हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाटो के देश अमेरिका के साथ खड़े हैं, ये जो बाइडेन ने कहा है। हमारे जवान काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा कर रहे हैं, जो बाइडेन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है। तालिबान में अमेरिका की सख्त चेतावनी, हमला किया तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा हो जाने के बाद से आलोचना का शिकार बन रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दहशत गर्दों को सख्त चेतावनी दी है। चार दिनों के अंदर दूसरी बार संबोधित करने पहुंचे राष्ट्रपति बाइडेन ने तालिबान को साफ लहजे में कह दिया कि अगर काबुल में फंसे हमारे सैनिकों को निशाना बनाया गया तो अमेरिका इसका करारा जवाब देगा। एवरी अमेरिकन हु वांट्स टू लीव कैन गेट टू द एयरपोर्ट where we have been seeing challenges with Americans for Americans, we have thus far been able to resolve them. We've made clear to the Taliban that any attack on our forces or disruption of our operations at the airport will be met with swift and forceful response. वहीं बाइडेन ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि अगले हफ्ते होने वाली G7 की बैठक में अमेरिका अफगानिस्तान पर बड़ा फैसला ले सकता है, जबकि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में बिगड़े हालात को लेकर बाइडेन ने माना कि अफगान पर तालिबान का राज कायम हो जाने से दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।